लाइव न्यूज खबर तो पहले बीजेपी के अध्यक्ष वहां गए, इन लोगों की जांच होनी चाहिए कि कौन कौन लोग जाके दंगा प्रायोजित है, ये बीजेपी के नेता जाकर के दंगा करवाए, जांच हो और इन लोग पर एफआईआर लॉन्च की, इन लोग को बंद किया जाना चाहिए और इन लोग की सदस्यता जाना चाहिए। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, जिस वर्ग समुदाय के, उसको बंद करिए, समाज को जीने दीजिए। अब हद हो गया, पानी सब के ऊपर जा चुका है, अब या तो लड़ना पड़ेगा या तो मरना पड़ेगा, दूसरा कोई सहारा नहीं। अब घर में बैठ के कुछ नहीं होता, समाज को बचाना होगा, नहीं तो 2024 में नरेंद्र मोदी आ गए तो लिख लीजिएगा आप, सबसे पहले राष्ट्र अमेरिका प्रणाली शुरू हो जाए, लोकतंत्र मिट जाए, संविधान को यह बदल देगा, आरक्षण नहीं बचेगा, हिटलर से भी बड़ा शासन 2024 के बाद। हम नीतीश जी और तेजस्वी को आग्रह करेंगे कि ड्राइविंग सीट बकबक करना बंद करिए, चपरासी नहीं रहने देगा 24 के बाद। ये लोग कौन दुनिया में है, लड़िए, और जरूरत है सबको एक होके लड़ने। नीतीश जी अब चुप्पी तोड़िए, हमेशा मौन धारण कर लेना ये सही नहीं है। मुख्यमंत्री का भी बड़ा बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि साजिश के तहत ये घटना घटी है, इसकी लग रही है तो जांच अभी तक क्यों नहीं, एक हाईकोर्ट के जज के मॉनिटरिंग में जांच करिए और जो जो नेता इसमें इन्वॉल्व है उसकी सदस्यता रद्द कर दीजिए और उसको जेल में ठूंसिए। इसमें तलवार एक ही जगह से आता है, झंडा एक ही जगह से बन के आता है, आप झंडा का तरीका देख लीजिए, हनुमान को कभी डायरी मोस थी और राम को गायब करके, झंडा लाल था केसरिया था, कभी लाल से केसरिया कैसे हो गया और राम की जगह हनुमान कैसे, कौन काम से आ गया। अब राम को रखिए हनुमान को रखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, और डायरी कहां से, मोज कहां से, पूरा का पूरा ये प्लांटेड है, एक जगह अरबों खरबों रुपया लगा करके, राम हमारी जीवन है, ताकत है, हर भगवान को अपने जीवन से साधते हैं, भगवान का इस्तेमाल इंसानियत के खिलाफ नहीं कर सकते। सर चर्चा होगा लाइव न्यूज खबर तो